जिला बिलासपुर के एक पंचायत में घायल महिला को चार व्यक्तियों के द्वारा पालकी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क की खस्ता हालत के चलते पीड़ित परिवार को समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है। इस पीड़ित परिवार एवं अन्य परिवारों को सड़क सुविधा तो है मगर हालत खस्ता एवं दयनीय है। जिला बिलासपुर के एक पंचायत में घायल महिला को चार व्यक्तियों के द्वारा पालकी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वायरल वीडियो की जानकारी प्राप्त उपरांत मीडिया की टीम ने पीड़ित व्यक्ति से संपर्क साधा तो ज्ञात हुआ कि ये वीडियो घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र की अमरपुर पंचायत के अंतिम बस्ती के एक परिवार से संबंधित है। सड़क की खस्ता हालत के चलते पीड़ित परिवार को समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। इस पीड़ित परिवार एवं अन्य परिवारों को सड़क सुविधा तो है मगर हालत खस्ता एवं दयनीय है। रोचक बात तो ये है कि बस्ती से कुछ दूरी पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह निवास है जो कि विजयपुर पंचायत में पड़ता है, जबकि इस स्थान से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का निवास स्थान है जो कि ओहर पंचायत में पड़ता है। इतने प्रभावशाली नेताओं के गृह निवास नजदीक होने के चलते भी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस समस्या के निदान पर केंद्रित न होना किसी बड़े दुर्भाग्य से कम नहीं कहा जा सकता है। पीड़ित उमाकांत शर्मा का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। उसकी मां घरेलू कार्य करते समय गिर गई थी, जिसे चार दिहाड़ीदार लोगों को बुलाकर अस्पताल ले जाने के प्रति सड़क तक पहुँचाया जो की उन्हें बड़ा पीड़ादायक प्रतीत हुआ। नमस्कार साथियों, आज मैं अपने मम्मी जी का मेरे 4 दिन पहले घर में आंगन में पैर फिसलन से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो उनको जब गया था तब भी ऐसे ही ले गया था उठा के। आज जब वापिस आया तब भी उठा के ही लाया, पालकी में लाया, और चार बंदे मेरे को दिहाड़ी पे करने पड़े। तो उनको आज के टाइम किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई किसी के लिए आए या किसी के लिए टाइम निकाले, पर मेरी प्रशासन से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। आज के टाइम पे हर जगह मोदी सरकार, जयराम ठाकुर सरकार सभी सड़कें बना रहे हैं, सभी गाँव-गाँव में सड़कें हो रही हैं, बट हमने इतनी जगह देने के बाद भी हमारे क्षेत्र में आज भी सड़क नहीं पहुंची है। वो पीडब्ल्यूडी के अंडर है बट आज भी ना पक्की है और ना ही उसमें कोई गाड़ी आ रही है। तो साथियों, मेरा इतना ही कहना है कि जिस समस्या से हमारे गांव निवासी जूझ रहे हैं, उससे कल को हम ना, मतलब कल को आने वाले टाइम में दूसरे ना जूझें, क्योंकि यहां पे यही चलता है कि पालकियों से ले जाते थे और पालकियों से लाते थे। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्दी से जल्दी इस सड़क को सुधारा जाए और ताकि हमारे को कोई परेशानी ना हो और हम इसका मतलब पालकी में या ताकि हम गाड़ी में ले जा सके। पालकी में हमारे पास इतना तो होता नहीं, आज के टाइम पे किसी के पास कितना टाइम नहीं होता है कि चार बंदे इकट्ठे हो जाए। तो प्लीज़ मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी सही करवाया जाए। 15 दिन बाद फिर मैंने मम्मी जी को अपने वो हॉस्पिटल ले जाना है, तो फिर पालकी के माध्यम से ले जाना पड़े, तो हमारे लिए और प्रशासन के लिए शर्म की बात होगी।